नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल टिप्स बाय सीमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बुकनू। इसके लिए इसमें मसाले ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं मेज़र के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये है अजवाइन और ये बहड़ा है, हींग है और ये हल्दी है और ये सोंठ है और ये मूड है, इसे मूड कहते हैं। ये बहेड़ा हरड़ है और ये बहेड़ा है और हमने लिए हैं यहाँ पे तीन तरह के नमक, काला नमक, सेंधा नमक और सादा नमक। ये 1 किलो से 1.25 किलो के हिसाब से है नमक। नमक हमने 1 किलो लिया है और तलने के लिए हमने लिया है सरसों का तेल। ये सभी मसाले हमने मेज़र के लिए हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने, मैं चूल्हे का यूज़ कर रही हूँ और इसमें हमने पहले तेल डाल के गरम कर लिया है और इसमें डाला है हमने सोंठ। सोंठ को हमें धीमी आंच में, एकदम धीमी आंच में ही इसे हमें भूनना है। बुकनू के लिए एक्चुअली ये बहुत सारे मसाले यूज़ करने पड़ते हैं और ज़्यादातर हम इसे बनाने में बहुत डरते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जाता है तो पूरा टेस्ट बदल जाता है बुकनू का। इसलिए मैं अपने गांव आई हूँ और मैं अपनी मम्मी से ये डिश बनाना सीख रही हूँ। ये एपेटाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, इसे हम थाली में ABC की तरह रखते हैं, अचार, बुकनू और चटनी। सभी मसालों को धीमी आंच में इस तरह से भून लेना है। एक्चुअली बुकनू हम अकेले नहीं बना सकते हैं, कभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मसाले, इसलिए मैं ये गांव में आके ये पारंपरिक तरीके से, पूरी तरीके से, मैं अच्छी तरीके से मैं ये सीख रही हूँ। ये चूल्हे में बनाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है टेस्ट, और इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, आप 2 से 3 साल तक ऐसे ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही इसमें कोई स्मेल, ना ही कीड़े वीड़े लगते हैं, क्योंकि ये बनती ही कुछ इस तरीके से है कि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमारा बचपन तो इसी में, चाय और रोटी और बुकनू के ही साथ हम लोग इसे बहुत मज़े से, इंजॉय से खाते थे और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें मसाले इतने पड़ते हैं कि ये इसमें हमने लिख के ले लिया था। मैं ये वीडियो मैं क्लियर अच्छी तरीके से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें 2 काम कर रही हूँ। ये वीडियो भी एक हाथ से ले रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं मदद कर रही हूँ। ये सारे मसाले ठंडे हो जाएंगे, थोड़े से ठंडे होंगे तो तुरंत ही बस इस खलबत्ते में डाल के इनको कूटना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो फिर मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। अगर हम डायरेक्ट सभी मसालों को डालेंगे तो हमारा मिक्सर टूट भी सकता है, इसके ब्लेड टूट सकते हैं, इसलिए मैं, ये आप देख सकते हैं, ग्राइंड में अच्छी तरीके से ग्राइंड करके और इसे छान लिया है और ये बन गई है बुकनू। हमारी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।